सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो स्कूली दोस्त बीते दो दिनों से लापता हैं। आपको बता दें, पुलिस पतासाजी में जुटी हुई है। दरअसल विश्रामपुर के माइंस कॉलोनी के लगभग 14 साल के दो स्कूली दोस्त सोमवार को सुबह स्टेडियम ग्राउंड जाने के नाम पर घर से निकले, लेकिन घर नहीं लौटे, जहां परेशान परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। और ऐसे में पुलिस भी दोनों लड़कों की पतासाजी में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी सूरजपुर ने बताया कि लापता बच्चों की तलाश के सभी पहलू पूरी तरीके से जांचे जा रहे हैं, और जहां दोनों बच्चे घूमने के लिए दूसरे राज्य की भी जानकारी मिल रही है, इस आधार पर दूसरे राज्य की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। देखें एक रिपोर्ट। ये विश्रामपुर थाना क्षेत्र में ACCL कॉलोनी है, वहाँ के ये दो बच्चे जो कि विवेकानंद स्कूल में पढ़ते हैं, सौरभ और राहुल नाम के, 14-15 साल की उम्र है दोनों की। ये बड़े सवेरे 4:30 बजे घर से निकले थे और उसके बाद शाम तक भी इनका पता नहीं चला था, तो इनकी गुमसूचना इनके थाने में दर्ज की गई थी। इनकी रोज़ बड़े सवेरे घूमने की, वॉकिंग करने निकलने की आदत थी, लेकिन उस दिन ये शाम तक भी नहीं लौटे। तब इनकी सूचना लिखी गई, तब इसमें जाँच में पाया गया कि ये लोग घर से कुछ कपड़े लेकर निकले थे थैला में, ऐसा किसी CCTV में नज़र आया था, और लोगों से किसी से बच्चों से चर्चा करते हुए सुनाई दिए थे कि इतने पैसे में काम नहीं चलेगा, और पूरी जाने जैसी कोई बात ये लोग कर रहे थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है इनके फोटो और इनके डिटेल्स जारी किए गए हैं इनकी पतासाजी के लिए, संबंधी आसपास के जिलों में भी और पूरी में भी इसकी सूचना दी गई है कंट्रोल रूम को, ताकि यदि पूरी में भी इनका पता लगे तो उनकी सूचना यहाँ मिल सके।